स्टेट में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आज हमारा जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट चल रहा है, और डीपीपी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं 03 और 04, ठीक है। तो उम्मीद है भाई सब बच्चे होमवर्क करके लाए होंगे, ठीक है। चलिए तो अब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है चैट बॉक्स में, मैं आ जाता हूँ बच्चों के साथ। चलिए हेलो बच्चों, अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ सब बच्चों को, रीज्वाइन करें, ठीक है। चलिए तो सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जिनको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है काइंडली रीज्वाइन, ठीक है। और तो अभी जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं DPP 3 और 4 का डिस्कशन, ठीक है। DPP 3 और 4 के डिस्कशन में तो नेक्स्ट जो है, चलिए सबसे पहले था DPP 3। DPP 3 में 1, 2, 4 में कोई डाउट बच्चों? ठीक है, DPP देख लेते हैं अपन। 1, 2, 4 में कोई डाउट? ठीक है, वन क्वेश्चन, ठीक है। हेलो सफदर, हेलो सादिक, ठीक है। और कोई बच्चा जो है ज्वाइन किया हो, ठीक है। तो अभी जो है बच्चे जो जो ज्वाइन किए हुए हैं, चलिए हेलो कर दीजिए भाई। यहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, तो हाय लिखकर लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए किस किसने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना। प्लीज़ राइट हाय ताकि मैं जान लूँ। सुशांत हाय, और कोई बच्चा जो ज्वाइन किया हुआ हो बताइए, किसी और बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ हो। सफदर हाय, चलिए और कोई बच्चा हो। तो अब हम जो है DPP नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। DPP 3 में जो डिस्कशन में पहला क्वेश्चन पूछा है सफदर ने, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप यहां से देख सकते हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ लेयर ऑफ SCB अवेलेबल, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आता हूं मैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं SCP अरेंजमेंट की। SCP अरेंजमेंट मैंने नोट्स पे समझा रखा है, ये हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम पहले क्वेश्चन में बात करें तो SCP अरेंजमेंट किस तरीके का होता था, ये नोट्स में आपने वीडियो देख लिए होंगे, बना देता हूँ मैं पूरा ताकि आपको क्लियर पता चल जाए किस तरीके से ये होता था, ठीक है। और यहाँ से जो है ये यहां से यहां तक एक डेरिवेशन मैंने कर रखा है नोट्स में सी, और सी को हम आर की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 4√2/√3 टाइम्स ऑफ आर, ये डिस्टेंस होती थी, ठीक है। अच्छा, ये पहली लेयर है, इसके बाद एक दूसरी लेयर यहां होती थी, ठीक है ना, और उसके बाद जो है ये सेकेंड लेयर होती थी और ये थर्ड लेयर होती थी, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में कितना गैप होगा, ठीक है, और लेयर रिपीट होती है, आपको पता है ये AB टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है, तो लेयर रिपीट होती है। तो अब आप ये देखिए कि ये यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है दो लेयर के बीच का डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस C/2 होगा, मतलब कितना होगा 2√2/√3, ठीक है। और ये पहली लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पूछ रहा है पहली और पांचवी के बीच का अंतर, ठीक है। तो बताइए पहली पांचवी के बीच का अंतर ये कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा C/2, 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 तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा 2C होगा, और C की वैल्यू रख दू तो 8√2/√3 इसका आंसर हो जाएगा R टाइम्स, ठीक है, R टाइम्स। चेक कर लीजिए आंसर चेक कर लीजिए एक बारी, ठीक है। इन SCP हाउ मेनी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो SCP में क्या होता है भैया कि जेड की वैल्यू होती है एक्चुअली कितनी 6, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 12 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं 6, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बताना है ना, SCP और टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ये लेयर बनाते हैं ना अपन, ठीक है, इस तरीके से लेयर बनाते हैं, मैंने एक डेरिवेशन करा रखा है SCP का इस तरीके से, और फिर मैंने यहाँ पे 3 एटम इस तरीके से रख दिए थे, ठीक है। तो होता क्या है कि ऑक्टाइडल वॉइड कब बनेगा, ठीक है, जब 3 एटम के बीच में, 3 एटम के ऊपर
इस तरह का कोई अरेंजमेंट आ जाएगा तो यहाँ ऑक्टाइडलोइड बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इस तरह का अरेंजमेंट इसमें चारों तरफ होगा, ठीक है। तो ऑक्टाइडल वॉइड वैसे बनेगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है, जब तीन एटम के ऊपर ये चौथा एटम आ जाता है। तो जैसे ये यहाँ पे देखो, ये तीन एटम के ऊपर ये चौथा एटम यहाँ आता है इनके सेंटर पे, तो यहाँ बन जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और ऑक्टाइडल वॉइड यहाँ पे समझाना 3D में थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, नंबर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलिए आगे जो है, फोर्थ तक कोई डाउट बताइए, कुछ और डाउट भाई फोर्थ तक बोलो बच्चों, फोर्थ तक कोई डाउट, 5 to 8 में कोई डाउट, 5 to 8 में कोई डाउट, 5 to 8 में कोई डाउट, किसी का कोई डाउट नहीं आया है। चलिए 9 10 में कोई डाउट, 9 10 में कोई डाउट, तो हम आ जाते हैं डीपीपी नंबर 4 पर। उसके पहले क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने 10th डीपीपी 3 का, है ना, शब्द ने पूछा है 10th। 10 में द स्पाइनल स्ट्रक्चर Ab2O4 कंसिस्ट ऑफ FCCNF(O-2)। ये फैक्ट है और नोट्स में मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें Ab2O4 जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये तो O-2 जो है FCCNF में जमा जाता है, तो ये इफेक्टिवली चार होते हैं, ठीक है ना, एक यूनिट सेल में। और इन चार के अंदर दो तरह के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल जो है वो बन जाएंगे 4 और ऑक्टाइडल बन जाएगी 8। तो होता यह है, इसका 1/8 पार्ट ए कंटेन करता है और इसका हाफ पार्ट ये बी कंटेन करता है, तो बी की संख्या 2 हो जाएगी और ए की संख्या 1 हो जाएगी। तो ये एक फैक्ट है जो कि मैंने नोट्स में पढ़ा रखा है, परवोस्काइट स्ट्रक्चर के नाम, स्पाइनल स्ट्रक्चर के नाम से, तो वहां भी वैसे याद ही करना पड़ता है, ये वहां भी मैंने ये चीज फैक्ट बताई है, तो ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये याद ही करना पड़ेगा। क्लियर है भाई शब्दरिया, यस और नो लिखो, शब्दरिया क्लियर है या नहीं, क्लियर है भैया। चलो अब डीपीपी नंबर 4 पे आ जाते हैं अपन। डीपीपी नंबर 4 में 1 to 4 में कोई डाउट, सेकंड सुशांत का डाउट है, सेकंड सीजियम क्लोराइड ऑन हीटिंग टू 760K चेंजेस इन टू, तो एक्चुअली सीजियम क्लोराइड जो है उसको 8:8 बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इसको हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग करने से क्या होता है, आप समझ लो टेम्परेचर बढ़ाने पे एटम भागते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, प्रेशर बढ़ाने पे एटम एक दूसरे के पास आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा, तो हम ये मानते हैं कि ये जस्ट इमीडिएट 6:6 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6:6 किसको पढ़ा था हमने, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे टिक मारेंगे इस केस में, बी आंसर, ठीक है। क्लियर है भाई सुशांत क्या ही क्लियर है, ठीक है। हाँ यस और नो लिख दो फटाफट, ताकि अगर कोई डाउट हो तो मुझे पता रहे, और अगर क्लियर हो गया हो तो फिर अपन सॉल्व, है ना। तो वो यहाँ पे ऐसा होता है, क्यूबिक है और NaCl इज FCC, सही है बात ये, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जनरल प्रिंसिपल है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एटम दूर भागते हैं हीट मिलकर, और एटम दूर भागेंगे तो ये 8:8 से कन्वर्ट होता है 6:6 में, यानी कि जो एक सराउंडेड था ना 8 से, गर्म करने पे वो जस्ट इमीडिएटली, मैं मानू कि 2 यहाँ से हट जाएंगे और फिर केवल 8 की बजाय कितना रहेगा 6, ये एक जनरल रूल अपन ने बोला है, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस ये वाली लाइन याद करो जो मैंने यहां लिखी है। चलिए इसके बाद 5 to 9 में कोई डाउट, 5 to 9 में कोई डाउट, 5 to 9 में कोई डाउट भाई बोलो, 5 to 9 में कोई डाउट हो किसी को बोलिए।
कोई डाउट नहीं भाई किसी बच्चे को इसके अलावा 5 to 9 में कोई डाउट? चलिए तो मेरे ख्याल से ये डीपीपी अपने दो खत्म हो गए हैं, ठीक है, बढ़िया बच्चों, है ना, अच्छा कर रहे हो तुम लोग, अच्छा कर रहे हो बिल्कुल, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन करने होते हैं उसी से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में जो है अपने यहाँ डीपीपी बचे हुए हैं, मतलब यहाँ टोटल डीपीपी हैं अपने 9, ठीक है ना, और उसके बाद जेई की एक्सरसाइज भी करेंगे। तो 4 डीपीपी हमारे हो चुके हैं, 5 डीपीपी बाकी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगली क्लास में जो है 2 और 3 करके अपन डिस्कस कर लेंगे, यानी कि होमवर्क में ये बोल देता हूँ कि नेक्स्ट टू क्लासेस जो होगी ना, ठीक है, उसमें अपन डीपीपी यहाँ ले लेते हैं अपन 5 और 6। देखो डिस्कशन अपन आराम से चला रहे हैं ताकि किसी बच्चे पे कोई भी तनाव ना आए, ठीक है ना, 0 9। चलो उसके बाद फिर अपन जो है जेई वाले क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है ना, अगर तुम चाहते हो तो जेई वाले जो प्रीवियस ईयर की इन एक्सरसाइज शीट में जो है जेई के क्वेश्चंस का डिस्कशन है, क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो अपन वो वाला सेक्शन ले लेंगे, ठीक है ना, जेई क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो ये अपन वो वाला पोर्शन ले लेंगे नेक्स्ट होमवर्क में, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है 2 क्लासेस में इसकी लूंगा, ठीक है। तो देखो कोई जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम बस वीडियो देखते रहो और कोई थ्योरी में डाउट हो तो यहाँ पूछते रहो और डीपीपी आराम से करते रहो। देखो डीपीपी 5 डीपीपी अगले वीक तक आपको टाइम मिल रहा है, आराम से कर सकते हो। तो ये ऐसा होमवर्क नहीं है कि जिसको अपन नहीं कर सकते, ठीक है। मेन बात ये है कि होमवर्क जो है ना वो टाइमली जो है 5 6 7 कर दूँ इसको मैं, फिर इधर 8 और 9 कर देता हूँ, ठीक है, 8 और 9 कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 6 7 और 8 और 9 अपन डीपीपी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। सुशांत यही कहना चाह रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं? तो आज ये क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं अपन, ठीक है। कोई डाउट हो थ्योरी में तो पूछ सकते हो, ठीक है ना, और अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं क्लास को एंड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, गुड नाइट। तो क्लास में एंड करने जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो बीच में, ठीक है, थोड़े से अवेयर होके। चलिए ओके बच्चों, बाय।